बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं जी एम पावर टेक। आज हम इन्फिनिक्स के एक मॉडल की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो कि है नोट 7। और नोट 7 जो है वो 3 वर्जन में अवेलेबल है, 4/64, 4/128 और 6/128 में। आज हम जिसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू देने जा रहे हैं वो है 4/64 और इसकी स्पेसिफिकेशन चेक कर लेते हैं। और इसके मेन पे ही इन्होंने दिया हुआ है 6.95 इंचेस लार्ज डिस्प्ले, यानी कि ऑलमोस्ट ये 7 इंच जो है वो डिस्प्ले बन जाता है। और इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो आप देख सकते हैं कि 4/64। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी, पावर बैटरी है इसकी। और एंड्रॉयड वर्जन जो है वो 10.0। और जो कैमराज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें लेफ़्ट अपर जो है वो आपको हमें मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा विद LED फ्लैश लाइट के साथ। और अगर हम बैक के कैमरे की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो है वो 48 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का AI लेंस के साथ क्वाड फ्लैश लाइट के साथ ये कैमराज जो हैं इसके अवेलेबल हैं। और प्रोसेसर जो है इसमें G70, जो कि ये गेम बूस्टिंग मोबाइल बेसिकली जो है ये सीरीज़ बनाई गई है नोट सीरीज़ जो इन्फिनिक्स की तरफ से है। और स्क्रीन रेजोल्यूशन वही 1640 और 720, जबकि डिस्प्ले का मैं आपको पहले बता चुका हूँ 6.95 लार्ज डिस्प्ले। और यहाँ पे जो गेमिंग की बात कर रहा था वो भी यहाँ पे मेंशन है कि हाई ग्राफिक्स, हाई गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए ये जो है वो सेट डिज़ाइन किया गया है। इसमें साइड फिंगर सेंसर, फेस लॉक दोनों जो हैं वो अवेलेबल हैं, दोनों चीज़ें ही अवेलेबल हैं, फिंगर लॉक भी और फेस अनलॉक भी। चलें जी करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं। इसका जो मैं चेक नहीं कर सका वो है कि इसका कलर मैं चेक नहीं कर सका, तो वो अनबॉक्स करके ही हम चेक करते हैं कि इसका कलर इसमें कौन सा जो है मौजूद है। लीजिए जनाब, वाइट कलर में ये जो हमारे पास जिसकी हम अनबॉक्सिंग कर, जी जनाब वाइट कलर में ये मोबाइल फ़ोन है जो हमारे पास अनबॉक्स हुआ है। और अब इसे ऑन कर लेते हैं और इसकी एसेसरीज जो है वो साथ ही चेक कर लेंगे कि इसमें कौन कौन सी एसेसरीज अवेलेबल हैं। जी जनाब, जब तक फ़ोन ऑन होता तब तक हम इसका चेक कर लेते हैं इसकी एसेसरीज। और एसेसरीज में हमारे पास आई थिंक सो कि पाउच तो इसका मौजूद ही होगा, वही एसेसरीज, सिम इंजेक्टर और हाँ जी सिलिकॉन पाउच, USB पावर केबल। और इसमें जो चार्जर है वो 12 वाट 1.5 एम्पीयर के साथ मौजूद है, जो कि मेरा ऑलमोस्ट बहुत अच्छा फास्ट चार्जर नहीं है। और सिस्टम ऑन कर चुके हैं तो अभी इसे एक्टिव भी कर लेते हैं। और जब तक ये ऑन हो रहा है तब तक मैं बताता चलूँ कि इस वीडियो को जो है स्पॉन्सर किया है अहमद मोबाइल सेंटर डस्का वालों ने, और हम उनके शुक्रगुजार हैं जनाब इस अनबॉक्सिंग के लिए। जी जनाब, फ़ोन ऑन हो चुका है और स्पेसिफिकेशन जो आपको बताई थी वही एंड्रॉयड वर्जन 10 के साथ। और कैमरे का रिज़ल्ट हम चेक कर लेते हैं, कैमरे का रिज़ल्ट ऑलमोस्ट अच्छा ही है, 48 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ है। और इसकी जो बेसिकली देखने वाले कि इसकी डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी है, बैक रिंग जो है वो ब्लैक कलर में बना के
उसमें जो कैमराज और फ्लैश लाइट है उसको एडजस्ट किया गया है। और इसके सिम का मैं आपको दिखा देता हूँ कि सिम जो है वो इसमें अक्सर हमें जो है वो कस्टमर कमेंट्स करके या वैसे भी वो पूछते हैं कि इसमें सिम जो है वो दो लगती हैं और इसके साथ मेमोरी कार्ड, तो इसका मुझे पता नहीं है कि इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इस हवाले से। तो सिम इंजेक्टर के साथ हम इसे निकाल के चेक कर लेते हैं। दो सिम और एक मेमोरी कार्ड इसके साथ एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ मॉडल्स मुख्तलिफ कंपनी के जो आते हैं उसमें ये होता है कि आप एक मेमोरी कार्ड और एक सिम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप दूसरी सिम इस्तेमाल करना चाहें तो आपको उसके लिए मेमोरी कार्ड जो है वो उसमें से हटाना पड़ता है। ये तो था जी इसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग। मिलते हैं मज़ीद नई वीडियोज़ के साथ। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।